अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला मन ला नबी बादा। अल्लाह मेहरबान के फजल व करम से हमारा आज का सबक सूरह अल बकरा की आयत नंबर 259 होगा इंशाल्लाह 259। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي أو يا كالذي كاف کی طرح الذي اس شخص جو اس شخص کی طرح جو مرا گزرا على قرية على کے معنی پر करिया के मानी बस्ती जो गुजरा बस्ती पर से करियतिम वहिया खाविया। अच्छा करिया को याद रखने के लिए करिया करिया बस्ती बस्ती हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और मर्रा नया लफ्ज है इसको आप याद रखें। करिया करिया बस्ती बस्ती उर्दू में हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अला करियतिम करिया बस्ती पर वहिया और वो खाविया ये भी नया लफ्ज है गिरी पड़ी थी खाविया। अला उरूशिहा अला पर उरूश छत छत अरश छत होता है और उरूश छतों हाँ अपनी इसको याद रखने के लिए जैसे अल्लाह का अरश है तो वो हमारे ऊपर है आसमानों के भी ऊपर है छत की तरह तो इसको आप याद रख सकते हैं। वैसे भी जो बादशाहों के अरश होते हैं वो भी एक तख्ते की मानद बड़े होते हैं तो वो एक छत की मानद होते हैं। अला उरूशिहा अपनी छतों पर काला उसने कहा अन्ना कैसे यो ही जिंदा करेगा ये हयात पहले आप पढ़ चुके वो जिंदा करेगा या के मानी वो हाज हिल्लाहु हाज ही का माना इसे अल्लाह अल्लाह सुबहाना हुआ ताला बाद मौती हा इसकी मौत के बाद और मौत दोनों हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। फमातहुल्लाहु फा के मानी पस अमाता पस मौत दे दी मौत की नींद सुला दिया अल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताला ने हो उसे पस अल्लाह ने उसे मौत दे दी। मैं आता आमिन आम के मानी साल मैं आता के मानी सौ सौ साल तक सुम्मा फिर बासहू उसे जिंदा किया। कौला कहा कम कितनी देर लबिस्ता तुम ठहरे रहे ये भी नया लफ्ज है तो याद कर लें ताके मानी तुम। कौला उसने कहा लबिस्तु मैं ठहरा रहा यौमन एक दिन औबाज यौम या दिन का बाद हिस्सा। कौला फरमाया यानी अल्लाह ने फरमाया बल्कि तू ठहरा रहा ये भी नया लफ्ज है तो याद करें मैं आता आम इन सौ साल मैं आता सौ फंजुर पस नजर कर पस देख इला तरफ तामिक अपने तमाम की तरफ खाने की चीज़ें जैसे दावत तमाम खाने की दावत को कहते हैं बस शराब और पीने की चीज़ और अपनी पीने की चीज़ अपने खाने और पीने की तरफ देखें। लम या तसन्ना लम नहीं या तसन्ना बासी हुआ
जब चीज़ बासी हो जाती है तो हम भी ये बासी कहते हैं कि फलां चीज जो है ये बासी हो गई है, लम यतसन्ना। इसमें भी बहुत बड़ी निशानी है। वंसुर, और देख, इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ। हिमार गधे को कहते हैं। वाह, और लेनाज आला का, ताकि हम बनाएं तुझे, लाम के लिए, आया एक निशानी, आयतल लिन्नास इंसानों के लिए। वंजुर और देख, इलल इजामी हड्डियों की तरफ, इजाम हड्डियां, कैफा कैसे, नुन शिजुहा हम जोड़ते हैं इसे, नून के मानी हम और आगे नून शीन जे हा के मानी इसे, हम इसे कैसे जोड़ते हैं। सुम्मा फिर, नक्सुहा हम चढ़ाते हैं इन पर, नया लफ्ज याद कर ले, लहमा गोश्त, लहम याद कहते हम गोश्त की ब्रांच को जो जिसमें गोश्त के बारे में पढ़ा जाता है, लहमियात आपने पहले पढ़ा हुआ, लहम अल खिंजीर, खंजीर के गोश्त के वाले से। फलम्मा फिर जब, तबैयना खूब वाजे हो चुका, लहू उस पर, खाला कहा, आलम हूँ मैं जानता हूँ, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर हर शय पर, हर चीज पर कादिर। ये आज पूरी हुई, आइए हम इसका बा मुहावरा तर्जमा देखते हैं, लेकिन आज जो अरबी के नए लफ्ज आए हैं आपको याद करने होंगे। जैसे हम दुनिया के कामों में मेहनत करते हैं उससे कहीं बढ़कर हमें इसमें मेहनत करनी चाहिए, बहुत बड़े अजर और सवाब की बात है। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने पिछले मजमून को जारी रखा इस आयत के अंदर। पहले वाक्या था कि इब्राहिम और नमरूद अलैहिस्सलाम का, अब अल्लाह फरमा रहा है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स की तरफ भी नहीं देखा, और से पिछली आयत की तरफ, कौन सा शख्स जो एक बस्ती से गुजरा। पहले हम बा मुहावरा तर्जमा कर लें, या उस शख्स की तरह जो एक बस्ती से गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों के बल गिरी पड़ी थी, उसने कहा अल्लाह कैसे जिंदा करेगा इसकी मौत के बाद इसको, बस उसको अल्लाह ने मौत दे दी 100 साल के लिए, फिर उसे जिंदा किया और पूछा कितनी देर तुम ठहरे रहे इस हालत में, इसको ब्रैकेट में करें इस हालत में, उसने कहा मैं एक दिन या दिन का हिस्सा ठहरा रहा, फरमाया बल्कि तुम 100 साल इसी हालत में ठहरे रहे। अब देखिए अपने खाने और पीने की चीजों को, उनकी वो बासी नहीं हुई, और अपने गधे को देखो, और हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं, और देखो कि हम कैसे हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हैं, हम कैसे हड्डियों को जोड़ते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब वाजे हो गया सब उस पर, तो कहने लगा मुझे इल्म है, मैं जान गया कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये तर्जमा था, आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने इस आयत मुबारका में अब मुशरकीन और कुफार के दूसरे रद को, दूसरे एतराज का रद किया, जिसमें वो कहा करते थे कि मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा अल्लाह, जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो फिर अल्लाह कैसे इकट्ठा कर लेगा। और आपने देखा कि इंडिया में भी जो लोग लाशों को जलाते हैं उसके पीछे यही नजरिया है कि हम मर गए हैं तो इसकी हड्डियां जला के राख उड़ा दी जाए, बहा दी जाए और गंगा दरिया में फेंक दी जाए ताकि इसको दोबारा इकट्ठा करके इसका सामना लिया जाए। तो यही मुशरकीन मक्का का इतराज था, और वो कहा करते थे कि ये मुमकिन नहीं है, अकल नहीं मानती इसको, इसीलिए जो बात अकल ना माने जरूरी नहीं कि वो ठीक
ना हो। अकल पे कुरान और हदीस को और अल्लाह के हुक्मों को नहीं परख सकते। अगरचे इसमें बहुत सारी अकल की बातें हैं, अकल पे पूरी उतरती हैं, लेकिन कई बातों में अकल जवाब दे जाती है। तो बहरहाल इसका जो शान नज़ूल है, ये उदैर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है, मुफस्सरीन ने लिखा है, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन भी कई इसके कायल थे कि ये उदैर नबी थे अल्लाह के। वो अपने गधे पर जा रहे थे तो एक बस्ती के पास से गुजरे तो वो अपनी छतों के बल ऊंधी पड़ी थी, यानी उसकी बर्बादी वाज़े थी, तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वो पता नहीं कब की वो बस्ती अजाब का शिकार थी या मौत वाकया हो चुकी थी वहाँ पे, जिंदगी के नामो निशान नहीं थे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा इसकी मौत के बाद। तो अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने एक तो उनका यकीन पक्का करना था और दूसरा उनको प्रैक्टिकल करवाना था और तीसरा क़यामत तक आने वाले लोगों को बताना था कि अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। और अल्लाह ने फौरन उनको मौत दे दी, एक दरख्त के नीचे बैठे और वहाँ लेटे और बस नींद आई और मौत आ गई। और जब वो जागे, जब वो लेटे थे तो दिन का आगाज था, जब वो जागे तो दिन का पिछला हिस्सा था। तो अल्लाह ने उनसे पूछा कि बताओ तुम इस हालत में कितनी देर रहे, तो उन्होंने सूरज को देख के अंदाज़ा लगाया एक दिन या दिन का हिस्सा। एक दिन इसलिए कहा कि अगर एक रात गुजर गई है, यानी उनकी बॉडी को ऐसे ही महसूस हुआ जैसे बंदा सो के उठता है, तो मैं हो सकता है एक दिन पूरा सोया रहा हूँ, या उन्होंने कहा कि अगर सुबह से पिछला हिस्सा हुआ है तो इस दिन का हिस्सा। अल्लाह सुबहाना व तआला ने फरमाया नहीं, तुम 100 साल इस हालत में रहे हो, 100 साल। देखो अल्लाह के नबी थे, मौत आ गई, मौत भी नींद की तरह थी, दोबारा उसको जिंदा भी किया। तो देखो उनको पता नहीं चला जब तक अल्लाह ने नहीं बताया कि तुम एक दिन या 100 साल ऐसे रहे हो। तो हम ये कह देते हैं घरों में बैठे हुए या किसी अल्लाह के वली की कब्र पर जाकर, बुजुर्ग की कब्र पर जाकर, कि जी हमारी ये फरियाद अल्लाह के आगे रखो, हमारी अल्लाह नहीं सुनता, और हम ये वो तो मर चुके हैं, उनको कैसे पता चलेगा आपके बाहर के हालात का। ये अल्लाह का कुरान है जो एक नबी के बारे में कह रहा है, और वो मिट्टी के अंदर भी नहीं थे, ज़मीन के ऊपर थे। अब हम कब्र में डाल के ये कहते हैं कि कई तो कम इलम जो है वो तो सीधा ही कहते हैं हमें फलां चीज़ दे दो तुम अल्लाह के वली हो, और जो कुछ समझदार हैं वो कहते हैं ये अल्लाह से लेके दे दो। बात ये है कि वो बाहर के हालात को कैसे जानेंगे, अल्लाह का कुरान तो इसकी तरदीद कर रहा है कि अल्लाह ने बताया कि तुम 100 साल तक कैसे रहे हो, तुम एक दिन या हिस्सा कह रहे हो, और फिर अल्लाह ने प्रैक्टिकली उसको तजर्बा भी करवाना था और फरमाया कि ज़रा देखो अल्लाह की कुव्वत, अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो, तो उनकी खुशबू तक नहीं बदली थी, वो बासी नहीं हुई थी, 100 साल अल्लाह ने ऐसे ही रखा उनको। ये अल्लाह की कुव्वत और ताकत है कि वो हालात के अपोजिट जो चाहे करे उसका हुक्म चलता है, वो खालिक है। जैसे छुरी का काम काटना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम चाह रहे थे दो नबी कि छुरी चले, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं काटना, तो उसने बाल भी नहीं काटा। जब जानवर आया तो उसने गर्दन काट दी। आग का काम जलाना है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया कि नहीं जलाना, आग ने नहीं जलाया। यहाँ पर अल्लाह ने जिसको हुक्म दे दिया कि तुमने अपनी खुशबू भी नहीं बदलनी, तो खाने पीने की चीज़ें उसी तरह उसी खुशबू के साथ उसी तरह थी, बासी नहीं हुई। और साथ ही ये बताना था कि कितनी देर हो गई है, गधे की हड्डियाँ तक गल गईं, हालांकि गधे का खाल बड़ी मोटी होती है, वो जल्दी नहीं गलती आम जानवरों से की तरह, वो गल गई, हड्डियाँ वो सीधा हो गई। फिर अल्लाह ने कहा कि ज़रा देखो अपने गधे की तरफ कि उसकी हड्डियाँ कैसे हैं। फिर हम हड्डियों पर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं,
हम जिंदगी कैसे देते हैं ये देखें। तो फिर उनकी आंखों के सामने गधे की हड्डियां इकट्ठी हुई और फिर उन पर गोश्त चढ़ा, फिर वो गधा बकायदा बन गया और जो वो बकायदा बोलने लगा। तो ये अल्लाह की कुव्वत है। हमें चाहिए कि हम अपने नज़रियात और अकायद को कुरान के मुताबिक करें, हदीस के मुताबिक करें, ताकि हमारा नज़रिया अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक हो। अगर हमारा नज़रिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा तो जैसे आमाल हैं, एक नज़रिया ही तो इंसान को मुसलमान या मुशरक या काफिर या हिंदू या ईसाई या यहूदी बनाता है। अगर नज़रिया अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक है, तो हमारा नज़रिया भी ठीक है, हमारे अमाल भी ठीक है। अगर इससे हटके है तो फिर हमें गौर करनी चाहिए, अपने दिल की नहीं माननी चाहिए, अल्लाह के कुरान की माननी चाहिए। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यासिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।